नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आसान है पर। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT एक्ट। इससे जितने भी MCQ टाइप महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। यदि आप और आई के MCQ लगाना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई? 2009, 2011, 2010, 2012। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन का 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना तिथि है 16 अक्टूबर 2010, 17 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010 या 19 अक्टूबर 2020। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा 18 अक्टूबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया है? प्रक्रियाएं हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के द्वारा, या राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने के द्वारा, या संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में संशोधन करके, या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित करके राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। ऑप्शन द इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, NGT का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, पुणे, चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, नई दिल्ली। क्वेश्चन है, NGT के सहयोगात्मक पीठकों की संख्या निम्न में से कितनी है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है, निम्न इनमें से क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ अवस्थित है? भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। दोस्तों, NGT के केवल 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल 4 कार्यालय हैं, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, 4ों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित नहीं है? भोपाल, कोलकाता, चेन्नई। भोपाल में अवस्थित है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में नहीं है, इसे इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि हम इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यदि आप चाहें तो 2:2 पर वीडियो देख सकते हैं या फिर 1:5:2 पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? ऑप्शंस हैं, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से केंद्र सरकार के द्वारा, या केंद्र सरकार की सलाह से भारत के मुख्य न्यायाधीश, या नियुक्ति सिफारिश की समिति से केंद्र सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श पर केंद्र सरकार NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, NGT के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सो फ्रेंड्स, NGT की सदस्यों की नियुक्ति करते हैं चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा। एक चयन समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, NGT में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन द है, 20 सदस्य, और न्यूनतम सदस्य यहाँ पर पूछ ले तो 10 सदस्यों को न्यूनतम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, NGT के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, NGT के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी निर्धारित की गई है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, NGT की संरचना के बारे में विवेचना करें। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर करता है। NGT के अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। सदस्य न्यायिक, पर्यावरण, वन संरक्षण से समृद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज राइट एंड फोर्थ रॉन्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT अधिनियम 2010 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिनियम में मुआवजा निर्धारित करने की स्पष्ट विधि नहीं है, वैधानिक संस्था होती हुई भी उच्च न्यायालय में चुनौती मिलना, किन मुकदमों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, किन्हीं नहीं है परिभाषित नहीं है,
एनजीटी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी क्या है? एनजीटी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित किसी भी मामले को सुनवाई की शक्ति निहित है। एनजीटी आदेश पारित कर सकता है, इसे लागू न करने की स्थिति में उसके पास कोई शक्ति नहीं है। या एनजीटी का गठन संवैधानिक संस्था के रूप में है। क्वेश्चन है कि एनजीटी के संबंध में इनमें से कौन सत्य नहीं है? तो इसमें से तीनों सत्य नहीं है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त तीनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के संदर्भ में उक्त कथनों पर विवेचना करें या विचार करें। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी को अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 से संबंधित सभी प्रकरण की सुनवाई का अधिकार है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। एनजीटी आदेश न मानने पर कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों अध्यारोपित कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, 1, 3, 4, यानी 2 वाला गलत है, यानी वो मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यायालय की भांति कार्य करता है। यह उन मामलों की सुनवाई करता है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय हो। यह उन मामलों की सुनवाई करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय हो। यह पर्यावरण से संबंधित कानूनों अधिकारों को लागू करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा है, 1, 2, 3, 4, यानी चारों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश सहपट्टा, सेकंड अध्यक्ष हैं स्वतंत्र कुमार, और थर्ड अध्यक्ष या प्रेजेंट अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नहीं है? तो लोकेश सहपट्टा प्रथम अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र कुमार सेकंड अध्यक्ष हैं, और वर्तमान या थर्ड अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन द है, J.S. खेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं? सो वह हैं आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का निम्नांकित कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। जल अधिनियम, वन अधिनियम, वायु अधिनियम एवं पर्यावरण अधिनियम, चारों का दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से एक स्थान पर अवस्थित है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी इनमें से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन द है, वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत नहीं कर सकता है। सो यह पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के आदेश और निर्णयों या नियमों का पालन न करने की स्थिति में कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है? आयोग को कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो आयोग को दंड देने की शक्ति प्राप्त नहीं है, केवल वह सरकार को कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी को इनमें से कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? अपीलीय क्षेत्र अधिकार के तहत सुनवाई की शक्ति प्राप्त है। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती। सिविल प्रोजेक्ट कोड 1908 में उल्लिखित न्यायालय प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। एनजीटी निर्णय देते समय सतत विकास, निवारण, प्रदूषण, भुगतान आदि सिद्धांत लागू कर सकता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, केवल 1, 2, 3, यानी 4 वाला क्या है, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के उद्देश्य में इनमें से कौन सा एक उद्देश्य शामिल नहीं है? सो यहाँ पर पूछा गया है शामिल नहीं है। सो चलिए देखते हैं, सरकार के अधिकर्ता के रूप में शीघ्र पर्यावरणीय क्लियरेंस उपलब्ध कराना, जिसमें से बड़ी विकास परियोजना में बाधा ना आए, पर्यावरणीय मुद्दों के निपटारे के लिए
अलग तंत्र उपलब्ध कराना जिससे अदालतों में मुकदमे की बोझ कुछ कम किए जा सके। पर्यावरण संबंधी मुकदमों में 6 माह के भीतर निपटारा करना। युवाओं को पर्यावरण और परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि शामिल नहीं है, उद्देश्य में शामिल नहीं है, एनजीटी के उद्देश्य में शामिल नहीं है ये वाला। सरकार के अभिकर्ता के रूप में शीघ्र पर्यावरणीय क्लियरेंस उपलब्ध कराना जिससे बड़ी विकास परियोजनाओं में बाधा ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के बारे में इनमें से क्या सही है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, अर्ध न्यायिक निकाय भी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, यानी इसका राइट आंसर है आ और सा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के अधिकारीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। पर्यावरणीय प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय क्षति पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करना। एनजीटी के निर्णयों का निष्पंदन न्यायालय के आदेश के रूप में करना पड़ता है। एनजीटी अधिकतम 7 वर्षों के कारावास की सजा सुना सकता है। सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में एनजीटी समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन टू फोर, थर्ड वाला रॉन्ग है इसमें, क्योंकि आयोग को सजा सुनाने की शक्ति नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय में कौन सा एक शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय में सा वाला सही नहीं है। वर्ष 2015 में एनजीटी ने दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डिजिटल गाड़ियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सो यह वाला शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है और इन्हीं को इस्तीफा सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इनमें से किसी एक मामले के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के तहत अधिकार प्राप्त समूह है। एनजीटी के तहत अधिकार प्राप्त समूह भारत के सभी नागरिक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन द होगा।